हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी नियुक्ति संबंधी, और साथ में आज का विशेष वीडियो है पद वृद्धि को लेकर। काफ़ी कमेंट मेरे कल के वीडियो पर और पिछले बहुत सारे वीडियो पर ये आ रहे हैं कि सर, पदों में वृद्धि के लिए मुहिम लाएँ, क्या पद वृद्धि संभव है, पद वृद्धि के लिए अभी तक क्या काम किए जा चुके हैं। उन सब पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे दोस्तों, और आगे हमें कैसे पद वृद्धि की मांग करनी है उस संबंध में मैं इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपडेट ये है कि जिन जिलों में आचार संहिता लगी है वहां के लोग लगातार DPI जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति आदेश जारी क्यों नहीं हुए, और वहाँ से ये लगातार अपडेट मिल रहा है, और न्यूज़पेपर के हवाले से भी ये अपडेट आया है कि आचार संहिता हटते हम उन जिलों में नियुक्ति आदेश जारी कर देंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। हाँ, यदि उन जिलों में नियुक्ति आदेश जारी हो जाते और आपका नाम नहीं आता तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा टेंशन होती, लेकिन आचार संहिता के कारण दोस्तों जो भी गवर्नमेंट के पदस्थापना के आदेश होते हैं उन्हें शिथिल कर दिया जाता है। तो जैसे ही आपकी आचार संहिता हटेगी दोस्तों, उसके एक या दो दिन बाद आपको नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, और जितनी भी वीडियो मैं विभिन्न जिलों के ऊपर बना चुका हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस होगी, उन्हें आप देखें और उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट जो है अपडेट रखें, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। अब हम बात कर लेते हैं आपके जनजाति विभाग की। जनजाति विभाग भी बहुत से लोगों ने संपर्क किया, क्योंकि जो डेट बताई गई थी वो 15 अक्टूबर बताई गई थी कि 15 अक्टूबर तक जो है आपकी सूची जारी हो जाएगी, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग पूछेंगे कि अब 15 अक्टूबर भी निकल चुका है, अब हमारी लिस्ट कब जारी होगी। तो दोस्तों, फिर उन्होंने वही अपडेट दिया कि एक सप्ताह में जो है आपकी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों लिस्ट नहीं आ रही है, तो हमेशा ये अपडेट देना कि एक सप्ताह बाद आ जाएगी, और एक सप्ताह निकल जाता है तो फिर ये कह देना कि एक सप्ताह बाद आ जाएगी, तो कन्फर्म वहाँ पर डेट नहीं मिल रही है दोस्तों। और कहा यह भी जा रहा है कि आचार संहिता भी लगी हुई है, DPI की भी बहुत सारी जो लिस्ट है नियुक्ति संबंधी वो अभी रुकी हुई है, तो वो एक एक क्रम से जब जारी हो जाएंगी तो उसके बाद भी जो है जनजाति विभाग को बहुत क्लियरिटी हो जाएगी लिस्टों को लेकर कि कौन कौन से लोग हैं जो नियुक्ति लिस्ट में आ चुके हैं और ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से भी देखा जाए, और बीच में जो है छुट्टियाँ भी चल रही हैं क्योंकि काफ़ी त्यौहार आ गए, तो ऑफिस का वर्क उस हिसाब से नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो अपडेट मिली है जनजाति विभाग से वो वही मिली है कि एक सप्ताह में जो है आपकी नियुक्ति लिस्ट हम जारी कर देंगे। अब एक सप्ताह में हो जाती है तो डेफिनेटली मैं आपके पास अपडेट लेकर आऊँगा ही दोस्तों, लेकिन वहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांशतः भाई बहन जो है जनजाति विभाग की वेट कर रहे हैं कि सर, इसमें भी जो है नियुक्ति प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और डेफिनेटली स्टार्ट होगी दोस्तों, जिस तरह से DPI ने अपनी नियुक्ति लिस्ट जारी की और नियुक्ति दे दी है, वैसे ही आपकी जनजाति विभाग भी देगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो वेटिंग वाले हैं उनकी लिस्ट बिल्कुल आपकी जो आचार संहिता हटते ही जो भी जिले रह गए उनके बाद, वो जिन्होंने भी आपत्ति लगाई है, 18 तक आपत्ति का एक डेट दी गई है वो भी दोस्तों, और उसका फिर 18 से फिर उसका निराकरण शुरू होगा दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों ने आपत्ति लगा दी है उनकी लग गई है, क्योंकि अब तो डेट जो है एंड पर पहुंच गई है, अब उसके बाद उनका निराकरण होगा। और उनसे फिर ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम जो उन्होंने डाला है, या फ़ोन नंबर के माध्यम से, या फिर उन्हें किसी न किसी माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि भूलवश जो है आपका नाम छूट गया था, और अगली जो लिस्ट जारी होगी उनमें उनका नाम आएगा, क्योंकि एक्सेप्ट की रिसिप्ट उनके पास है तो 100% नाम तो उनका आना ही है, किसी भी मिस्टेक के चलते उनका नाम छूट गया था, तो उनका भी जो है आगे अलॉटमेंट लेटर जारी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पद वृद्धि के। दोस्तों, पद वृद्धि की बात कब आई थी और किस हिसाब से इस पर काम किया गया वो मैं आपके पास आज शेयर कर रहा हूँ। 2019 में जो है आपके पदों की संख्या घोषित कर दी थी, जब आपके एग्जाम हुए थे, विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस समय कोई पद नहीं बताए गए थे कि किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं। वर्ग 2 की बात करें तो ये बता दिया गया था कि 5,670 पदों की ये भर्ती है। अब उसमें किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं ये नहीं बताया गया था। वर्ग 1 का भी सेम ही था,
कि उसमें संख्या तो बता दी गई थी 17,000, इसमें से फर्स्ट काउंसलिंग में 15,000 भरे जाएंगे, सेकंड काउंसलिंग में रहे 2,000 पद, और जो भी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा उनके पद भरे जाएंगे, लेकिन किस सब्जेक्ट कितने पद हैं वो डिसाइड नहीं किए थे, यानी कि डिक्लियर नहीं किए गए थे। कुल मिलाकर डिसाइड तो हो गए होंगे लेकिन डिक्लियर नहीं किए गए थे। यहाँ पर मेरे मन में एक बात आई, और बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया कि सर हम तो एवरेज हो रहे हैं, अच्छे नंबर लेकर आए हैं। हम वर्ग दो की बात करें तो उर्दू के आपके 18 पद हो गए, आपके सोशल साइंस के 60 पद हो गए जिसमें सबसे ज़्यादा फार्म फिल हुए थे, साइंस के 50 पद हो गए, हिंदी के 100 हो गए, और फिर उसके बाद संस्कृत ले लें, मैथ ले लें, इंग्लिश ले लें, जबकि उससे कहीं ज़्यादा DPI में पद खाली है। हिंदी ही हम ले लें तो उसके बहुत सारे पद खाली हैं, और इसका डाटा आपको MP एजुकेशन पोर्टल पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई और बता रहा हो, स्वयं MP एजुकेशन पोर्टल पर वो डाटा आपको मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्टों को देखे जाएँ तो लाखों पद खाली ऐसा बताया जाता है, कई बार 70,000 पद बताए जाते हैं खाली हैं, 90,000 पद बताए जाते हैं, एक राउंड फिगर में कह देते हैं कि लाखों पद शिक्षकों के खाली हैं। और बहुत जगह तो ऐसे हैं कि गेस्ट टीचरों से ही काम चल रहा है, यानी कि वहाँ पर रेगुलर टीचर्स है ही नहीं, गेस्ट टीचर के भरोसे जो है पूरी पढ़ाई चल रही है, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं और बेस्ट वहाँ पर रिजल्ट भी ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तो मन में एक ख्याल आया क्यों ना पद वृद्धि के लिए मांग की जाए। और ये 2019 की बात है, सीपरी में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीपरी में एक मंत्री जी आए हुए थे, उन्हें हम जो थे ज्ञापन देने गए हुए थे पद वृद्धि को लेकर, और पूरी जो लिस्टें थी आपकी जो कि हमने MP एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड की थी कि इतने इतने पद खाली हैं, तो वो भी साथ में लगा के और फिर वो ज्ञापन दिया गया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मिले, उन्होंने कहा कि इस विषय में हम सोचेंगे और डेफिनेटली जो पोस्ट खाली है उन्हें जोड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर जो है काफ़ी दिनों के बाद भर्ती आई थी वो भी चीज़ था। तो मंत्री जी ने हम सभी से मिले और अच्छे से मिले, और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछ लिया कि बेटा आप दिव्यांग भी हो तो आपका किस सब्जेक्ट के अंतर्गत नाम आया है या कितने नंबर, ये उन्होंने पूछा। तो वहाँ मैं चुप रह गया क्योंकि BEd तो किया नहीं, एग्जाम ही नहीं दिया था। तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरा तो किसी में नहीं आया, मैंने तो BEd भी नहीं किया है। तो उस हिसाब से तो फिर उन्होंने लगा कि इनकी कोई कोचिंग क्लास वगैरह होगी, तो उन्होंने सेकंड किया, अच्छा अच्छा आपके स्टूडेंट होंगे जो इसमें क्वालिफाइड हुए। तो मेरे तो कोई स्टूडेंट ऐसे थे नहीं, कोचिंग क्लास थी नहीं, तो वहाँ भी चुप रह गया कि नहीं कोई कोचिंग क्लास ऐसी तो है नहीं। तो उनके आँखों में ये सवाल जरूर घूमते हुए मैंने देखा कि फिर आप कैसे। तो फिर जो भी हमारे साथ 4-5 मित्र गए हुए थे उसमें से 2-3 मित्र थे बहुत अच्छे नंबर आपके लेके आए हैं, सोशल साइंस से हैं, साइंस से हैं कुछ मित्र, कुछ आपके हिंदी से हैं ऐसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार बोल देता कि तूने भी एग्ज़ाम दिए, वो कौन सा रोल नंबर पूछ रहे थे। तो मतलब वो चीज़ मुँह से नहीं निकली तो नहीं निकली तो नहीं निकली। बहरहाल हम घर पे आ गए तो मन में एक ख्याल और आया, ग्वालियर ही जाना था उसके 2-3 दिन बाद किसी व्यक्तिगत काम से दोस्तों। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ग्वालियर और चलते हैं, और वो जहाँ पे जो शिक्षा विभाग है जो भी लोकायुक्त हैं उनके यहाँ पे हम चलते हैं और यही डाटा उनको भी देते हैं, यानी कि हमने यहाँ तो दे दिया लेकिन वहाँ भी चलते हैं, और काम से तो हम जा ही रहे हैं व्यक्तिगत, ये भी काम कर लेते हैं, है ना, एक पन दो काज वाली बात। तो फिर हम ग्वालियर गए वहाँ पे, और वही हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ऊपर भेज देंगे, ऊपर से मतलब था कि भोपाल भेजते वो लोग शिक्षण संचालक जो भी उनका अधिकारी हैं। तो फिर हम ग्वालियर से भी वापस आ गए, वहाँ से हम पूरे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर आए, तो उन्होंने कहा आपने जो भी कहा है वो हम ऊपर पहुँचा देंगे। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि एक काम करो तुम हो सके तो भोपाल चले जाओ सभी, और वहाँ पर ये कागज़ सबमिट, क्योंकि अभी क्या है विज्ञप्ति निकली है, यदि ये पद बढ़ जाते हैं जुड़ जाते हैं ये पद तो सभी का भला हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एवरेज हो रहे हैं तो उनके लिए तो ये आखिरी मौका है, अच्छे नंबर लेके आए तो भला हो जाएगा। तो वो दोस्त एक दो दिन रुक के कि नहीं नहीं आपको भी साथ में चलना पड़ेगा, और उन्होंने मुझसे कहा क्या कि आप एक्सप्लेन अच्छा करते हैं, बोलते अच्छा हैं, इसलिए आपको साथ में रहना पड़ेगा, जबकि ये सच्चाई नहीं थी, सच्चाई थी मनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो पढ़ाई भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो मनी प्रॉब्लम्स हो ही जाती है, और भोपाल जाना वहाँ पर रुकना, क्योंकि एकदम से जाकर आप किसी भी अधिकारी से नहीं मिल सकते हैं, टाइम लेना पड़ता है वहाँ पर, जैसे बहुत से लोग गए होंगे और टाइम लेना पड़ता है, तो टाइम ये है कि आपको एक दो दिन तो वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, तो उसका खर्चा। तो फिर मुझे ये लगा कि मैंने उनसे कहा कि मनी की चिंता मत करें, आप चले जाएँ भोपाल
और वापस लौट के जहाँ जो भी कुछ खर्चा बैठेगा मैं अपने हिसाब से आपको दे दूंगा, आप निश्फिक्र रहें। आप ये समझे कि अतुल कुमार शर्मा के लिए ही आप जा रहे हैं दोस्तों। तो फिर भी उन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं आप एक्सप्लेन अच्छा करते हो, अच्छा करते हो। मीन्स वो कहते हैं ना कि चने के झाड़ पे चढ़ाना वो वाली बात, जबकि मैं समझ गया था ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं दोस्तों थोड़ा दिव्यांग हूँ ना, तो मैं लंबे सफ़र अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे लंबे सफ़र करने में प्रॉब्लम्स होती ही होती है। जब ज़रूरी हो तो फिर सफ़र करना ही पड़ता है। अब यहाँ सीपरी से भोपाल का सफ़र एक लंबा ही सफ़र है, करीबन 6 से लेकर 7 घंटे का सफ़र होता है यहाँ से। फिर भी हम गए यहाँ से और भोपाल गए, और वहाँ के जितने भी पदाधिकारी थे, समय मिला हमें कि इस समय पे आप मिल सकते हो। मंत्री जी जी थे उनका भी समय, कई मंत्री जी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो उस हिसाब से हम दोस्तों कोशिश करते रहे। लास्ट में जो लोक शिक्षण संचालक सब जगह गए, लास्ट में जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि जो आपका बजट स्वीकृत होता है फर्स्ट काउंसलिंग का, वो बजट स्वीकृत हो चुका है, अब उसमें बढ़ोतरी हो तभी आपके पद बढ़ सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट काउंसलिंग में यानी कि जो पहली भर्ती होगी फर्स्ट काउंसलिंग उसमें आपकी पद वृद्धि हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा हम तो काफ़ी दूर से आए। हमने कहा बेटा आप आए हो हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ऊपर से जितना वित्त स्वीकृत हो जाता है उतने ही पद भरे जाते हैं, तो फर्स्ट काउंसलिंग में पद कैसे भी नहीं बढ़ने, ये उन्होंने कहा था। और ये मैंने बहुत सारे चैनल जो थे जुड़े थे उनका भी कॉल आया कि वहाँ से क्या अपडेट निकल के आया। मैंने कहा उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि फर्स्ट जो काउंसलिंग होगी उसमें हम पद बढ़ाए ही नहीं क्योंकि वित्त उतना ही स्वीकृत हुआ है। तो हमने कहा हम गवर्नमेंट से तो मांग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, हम भी आपकी बात ऊपर गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे, लेकिन वहाँ पर ये होगा कि जब गवर्नमेंट वित्त स्वीकृत कर देगी उस हिसाब से कि इतने इतने पद बढ़ाए जाते हैं तो बढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, तो फिर पद वृद्धि नहीं होगी। कि हमने ये भी पूछा, उन्होंने कहा कि सेकंड काउंसलिंग होगी और उसमें गवर्नमेंट आपकी वित्त बढ़ा देती है कि नहीं नहीं इतने पद खाली हैं तब वित्त बढ़ाया जाता है, तो फिर पद वृद्धि वहाँ पर हो सकती है दोस्तों। तो मन में एक लगा कि इतना मेहनत की वहाँ तक गए, और ये जवाब जो था थोड़ा सा ऐसा था कि फर्स्ट राउंड में ही हम सोच रहे थे पद वृद्धि हो जाए, लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट चाहे तो फर्स्ट राउंड में ही पद बढ़ा सकती है। तो हमने सोचा कि अब अधिकारियों से तो हमने अपनी बात कर दी है और पूरा डाटा भी उन्हें सबमिट कर दिया, अब बारी है गवर्नमेंट की, अब बात करनी। तो फिर वापस आए, उस पर मैंने वीडियो बनाकर भी आपके साथ शेयर कर दिया कि उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट चाहे तो फर्स्ट जो काउंसलिंग होगी उसमें पद बढ़ सकते हैं यदि आपके वित्त बढ़ा दिए जाए, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग में जो है संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि वित्त फिर से स्वीकृत किया जाएगा सेकेंड काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा वित्त बढ़ा दिया जाएगा तो आपकी पदों में वृद्धि भी हो जाएगी, और खासकर जो कम पोस्टें हैं उनमें वृद्धि कराने की एक मुहिम थी। घर आए हुए थे और इस समय फिर कुछ लोग ऐसे भी मिले जो वर्ग 3 की तैयारी नहीं कर रहे थे क्योंकि विज्ञप्ति नहीं आई थी, वो 2020 में जारी होनी थी। तो मन में वो भी था कि यार वर्ग 3 के लिए भी काम करना है, तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया और वर्ग 3 वालों से कहा कि आप तो वहाँ, उन्हें ये प्रॉब्लम आएगी सर आपकी जो है विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है और जो कोचिंग फीस है वो 5,000 से 10,000 रुपये वो मांग रहे हैं, और अगर विज्ञप्ति नहीं आई वर्ग 3 तो हमारी तो बेकार चली जाएगी। तो फिर वहाँ पर मैंने कहा कि मेरे घर आओ मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा, तो बहुत से लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे पद वृद्धि से थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूँ और पद वृद्धि पे वापस आ रहा हूँ क्योंकि आपको पूरी डिटेल्स इसमें देने वाला। तो मैंने कहा कि आप मेरे घर पे आओ मैं आपको जो है फ्री कोचिंग दूंगा। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर अभी तो विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, आपने अपनी दुकान पहले खोल ली है, आप तो घर पे कोचिंग करोगे फिर उससे पैसे कमाओगे। तो मैंने कहा कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा और जैसी विज्ञप्ति जारी हो गई मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मेरा एक ही मकसद रहेगा कि उन्हें तब तक उस पढ़ाई से कनेक्टेड रखूँ क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में कुछ नहीं कर पाए, वो वर्ग 3 ही उनके पास लास्ट ऑप्शन है। तो कुछ लोग आए, टाइम कम था तो कुछ लोगों को मॉर्निंग में पढ़ाता था, कुछ लोगों की इवनिंग, विज्ञप्ति जारी हो गई उसके बाद फिर मैंने कम कर दिया या कहें कि बंद कर दिया एक तरह से कि अब आप चाहो तो कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो क्योंकि विज्ञप्ति जारी हो गई वहीं तक था। और अभी भी कुछ लोग आते हैं कि सर आप फिर से पढ़ाना शुरू करें, तो वो फ्यूचर की बात है, हो सकता है मैं फिर से पढ़ाना शुरू कर दूँ लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो आपको फ्री पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिससे ये ना लगे कि सर जो है कुछ आर्थिक इससे जो है लाभ लेना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं।
अब यहाँ पर दोस्तों जब पदवृद्धि की बात आई तो फिर श्री रंजीत गौर जी से मेरा संपर्क हुआ। मैंने श्री रंजीत गौर जी से किया, उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर हम लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पदों में तो वृद्धि होनी चाहिए, इतने सालों बाद भर्ती आई है। तो मैंने कहा मिलके काम करते हैं, और मेरा जो चैनल है उस पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो कि जिनके अच्छे नंबर हैं लेकिन पद नहीं है, इसलिए वो बाहर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा रंजीत गौर जी ने कि बिल्कुल आप हमारी बात जो है अपने चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाएं, और हम जमीनी स्तर पर जो है संगठन खड़ा करेंगे, हर जिले में संगठन खड़ा करेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट से ये मांग की जा सके कि वाकई में पद कम हैं और पद वृद्धि की जाए। अब इस बीच में फिर मैंने उनसे संपर्क किया दोस्तों, हुआ ऐसा कि कुछ बड़े बड़े चैनल्स थे, और उससे पहले जब तक श्री रंजीत गौर जी से संपर्क नहीं हुआ था, उससे पहले कुछ भी मुहिम लाते थे चैनल, तो वो मैं उनकी कभी कभी बात कर देता था कि ऐसी मुहिम है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, भोपाल जाना चाहिए। तो फिर एक बहुत बड़े चैनल थे, उन्होंने कहा कि कुछ चैनल हैं जो कि हमारी मुहिम को खुद की मुहिम बताते हैं और व्यू और सब्सक्राइबर के लिए हमारे मुहिम पर बात करते हैं, जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि ये बात भी सही है कि उनकी ही मुहिम है, हम इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वहाँ से मैं हट गया। फिर मैंने श्री रंजीत गौर जी को फिर से संपर्क किया, मैंने कहा श्री रंजीत गौर जी आप एक बताया था, मैं आपका नाम लूँगा अपने चैनल्स पे, आपकी मुहिम भी बताऊँगा, लेकिन इससे किसी और चैनल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने 4-5 चैनल के नाम बताए कि ये चैनल अपने संपर्क में, ये 4-5 चैनल तो मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट चैनल हैं और इनसे मेरे जो है घर के संबंध हैं, तो इन चैनल का तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर मैंने 1-2-3 चैनल के नाम बताए, मैंने कि ये चैनल है जो कि अक्सर कहते हैं कि, तो उन्होंने कहा कि इन चैनलों से तो हमारा भी संपर्क नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मैं शब्द जाता है, श्री रंजीत गौर जी ने कहा जहाँ पर मैं शब्द जाता है वहाँ तो हम भी संपर्क नहीं करते, जहाँ हम की बात होती है कि हम मिलकर कुछ करेंगे भाई हम संपर्क करते हैं, तो बिल्कुल आप निष्फिक्र होकर काम करें पद वृद्धि को लेकर, हम जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों काफ़ी मुहिम चलाई गई, ट्विटर अभियान चलाया गया। मैं ट्विटर पर था नहीं, लेकिन आपके लिए मैं ट्विटर लाया, चाहे आपकी पदवृद्धि की मांग हो, शिक्षक नियुक्ति की मांग हो, उसके लिए ही ट्विटर, और ट्विटर पर उसी से संबंधित ट्वीट मिलेंगे, कोई और ट्वीट आपको मिलेगा ही नहीं, सभी शिक्षक भर्ती से। वहाँ पर एक और कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि जो नियमित शिक्षक की भर्ती हो रही है, यदि पदवृद्धि की मांग की तो वो भर्ती अटक जाएगी। अब दोस्तों वहाँ पर भी मुझे स्पष्टीकरण दिया गया, और उन लोगों के भी काफ़ी कमेंट आए कि सर आप तो हमारी भर्ती अटकाना चाहते हो, पद वृद्धि की मुहिम ला रहे हो, इससे हमारी भर्ती अटक जाएगी। तो उन्हें समझाना वहाँ पर बहुत मुश्किल पड़ गया दोस्तों। हुआ ये कि शनिवार को पद वृद्धि के लिए ट्वीट करते थे सभी मिलकर, रविवार को आपकी ज्वाइनिंग को लेकर करते थे, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पर ला ही नहीं पाया। कहते हैं ना एक दूसरे का समर्थन करो, बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जो ऐसे चैनल्स थे कि बीच में ये कहाँ से आ गया, और ये तो वो अपने हिसाब से वीडियो में एक कहे कि उनका माइंड जो था वॉश कर दिया उन्होंने, कि अतुल कुमार शर्मा पद वृद्धि की बात कर रहे हैं, आपकी नियुक्ति अब अटकी अटकी। तो अब ऐसा तो कहीं नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था, नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि पद वृद्धि हो सकती है, तो उन्हें समझाना मुश्किल पड़ गया। और फिर इससे इतना हर्ट हो गया कि बीच में मैं टाइप कर बैठा और एक सर्वे करा बैठा कि भैया मुझे वीडियो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, तो 93% लोगों ने उस सर्वे में कहा कि आपको वीडियो लाना चाहिए। 7% लोग थे वो बहुत ज़्यादा खपाते पद वृद्धि को लेकर कि आप पद वृद्धि की बात क्यों कर रहे हैं। इसके बाद फिर नियुक्ति के लिए भी काफ़ी जो है आंदोलन चलाए गए दोस्तों, और उसमें मैं अपनी वीडियो में बताता था, तो एक जो भैया थे उससे जुड़े थे, उन्होंने कहा एक कोई पर्टिकुलर इंसान होंगे, उन्होंने कहा अतुल कुमार शर्मा तो पद वृद्धि की बात करते हैं, हम उनका जो है इसमें सहयोग क्यों लें। और मैंने उनसे कहा आप ये टाइप कर दें कि अतुल कुमार शर्मा का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है, ना मैं अपने वीडियो में ये कहूँगा कि मुझे इस वीडियो पर लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ आप जो मुहिम चला रहे हैं मैं शेयर कर दूंगा, जिससे कि मुझसे जो जुड़ी ऑडियंस है वो आपको नियुक्ति के लिए मांग के लिए समर्थन कर सके, और आपसे जो जुड़ी है वो तो जुड़ी है। यानी यदि एक चींटी भी मेहनत कर रही है किसी पुल बनाने में, तो उसका जो योगदान है वो बहुत ना के बराबर, यदि वो ना भी करती तो कुछ नहीं बिगड़ता। और एक जो हाथी है जो उस पुल को बनाने में मदद कर रहा है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। लेकिन अपनी अपनी जगह सभी मेहनत कर, और सबकी मन की इच्छा यही है कि नियुक्ति हो जाए, वो फाइनली हो गई।
तो ये दोस्तों इस तरह से जो होते हैं विरोधों का सामना भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल आपकी पद वृद्धि के लिए लगातार मेहनत जारी है दोस्तों। अभी भी जो है इनकी नियुक्ति चल रही है, आचार संहिता लगी है, तो इस बीच में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे ही आचार संहिता सभी जिलों से हट जाएगी, हर जिले से संगठन तैयार होगा। श्री रंजीत गौर जी इसके लिए तैयार हैं और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब इस पर नज़र बनाए हुए हैं और फिर से मुहिम लाएंगे। और एक मुहिम होगी सभी जिलों में एक साथ, पूरे संगठन खड़े करेंगे, आपको हर एक बात से अवगत कराएंगे और पद वृद्धि के लिए डेफिनेटली मांग करेंगे करेंगे, क्योंकि अब नियुक्ति हो चुकी है। जो वेटिंग में है उनकी वेटिंग क्लियर हो और जो स्कूल अलॉट नहीं होने, स्कूल अलॉट हो जाए, ये सब चीज़ें साथ में चलते चलते आपकी पद वृद्धि की भी डिमांड करनी करनी है। जनजाति विभाग की भी काउंसलिंग जल्द से जल्द पूरी हो और जिससे जो भी पद खाली हैं वो क्लियरिटी आ सके और भी पद इसमें जोड़े जा सकें, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं और यही एक कहें कि हमारे पास मौका होगा हर जिले से कि पद वृद्धि की मांग करें। तो इतना कुछ इसलिए मैंने आपको बताया कि काफी कमेंट आया कि सर इस पे तो आप बोलते नहीं है, बोलने से ज्यादा दोस्तों करने में विश्वास रखते हैं और आपके पदों में वृद्धि होनी चाहिए इसमें विश्वास रखते हैं। उस संबंध में कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी मुहिम आएगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ भी कहना, कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। बहुत जल्दी बहुत बड़ी मुहिम इस पे आने वाली है, पद वृद्धि हर जिले से जो है संगठन तैयार होने वाला, एक साथ हर जिले से मांग करने वाले हैं दोस्तों। तो आई थिंक आज आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे। ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।